बलूचिस्तान शहर थोरबता एसपी कीच बहराम खान मंदोकेला वश न्यूज़ को गप कनाना गोश थोरबत शहर आवार जिला कीचा अमन इमनी बर्जा दारक और गेहतर कनगे जोध बर जाएं आइए गोश एज अ पुलिस ऑफिसर हम सब की तरजीहात जो है वो बड़ी क्लियर होती हैं और इसमें यही देखा जाता है कि किस इलाके में जहां हो वहां मसाइल किस नौयत के हैं। तो यहां के जो मसाइल तुर्बत के हमें फिलहाल नजर आते हैं उसमें एक तो जो क्राइम जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो यहां के मसाइल थोड़े बहुत हैं जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। जो पुराने सालों की अगर हम यहाँ क्राइम रेट देखें तो इस साल में उसमें खातिर ख्वाह जो है उसमें कमी आई हुई है। फिर हमारे आईजी साहब की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी रही है इश्तिहारियों के खिलाफ जो है ना उन्होंने जो मुहिम स्टार्ट करवाई हुई है तो उसमें भी बड़ी हमें इश्तिहारी पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमने बड़ा क्रैकडाउन किया हुआ है और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा इसमें कमी लेकर आए। और उसके बगैर जिस तरह मैंने अब जिक्र किया कि दहशतगर्दी या जो इस तरह के और मसाइल यहाँ चल रहे होते हैं तो उसमें भी हमारी जितनी ज्यादा कोशिश है चीजों को बेहतर करने में और यहाँ अमन लाने में तो उसमें हमारी कोशिश जारी रहेगी। एसपी बहराम खान मंदोकेला इज्मकार और शोनकार शाइना शाइन कूश हो कोशिंदे दसगीर करने के हवाला गोश्त आ शाइन कऊ लागू रबते ताए जुद पोशिंदा दसगीर कना गो कौला इंसाफ बेग बीत। ये हम जो है ना इस फैमिली के साथ जो है ना इन टच हैं इनके साथ ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सानेहा है और जितने भी कत्ल के केसेस हैं वो सब हमारी प्रायोरिटी हैं और ये भी उनमें से एक हिस्सा है। हमने इसमें हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि हम फौरन से पहले जो है ना इंशाल्लाह ये जो एक्यूज्ड है उसकी अरेस्ट जो है वो अमल में लेकर आए और इस पे हमने काफ़ी काम भी किया हुआ है और पिछले टाइम में भी क्योंकि मुझे यहाँ पोस्टिंग को अभी तकरीबन 2 महीने पूरे होने वाले हैं तो उसमें इस केस को मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड किया है और इसमें कुछ क्लूज़ हैं हमारे पास और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि हम इसको जल्दी से क्लोज कर लेंगे इंशाल्लाह और हमारी होप्स यही है कि इंशाल्लाह फैमिली को रिलीफ हम बहुत जल्द मैसर करें। एसपी बहराम खान मंदोकेला बरजाई पुलिस भर्तीयो मेरिट हवाला गोश इसमें यह है मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ इसके ऊपर कि कोई भी आके इसमें क्लेम कर ले अगर वो प्रूफ कर सकता है कि वो ये मेरिट पे नहीं हुआ। हमने इसके ऊपर जो कमेटी बनाई है उसमें हमने बहुत ही क्लियर इसके अंदर हर लेवल पे स्क्रूटनी की है और हमने हमारी सारी टीम थी उनकी मौजूदगी और उनकी डायरेक्शंस आईजी साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये जो कमेटी जो रिक्रूटमेंट कर रही है इस कमेटी के ऊपर भी एक कमेटी बनेगी जो ये देखेगी कि ये रिक्रूटमेंट साफ और शफाफ तरीके से हुई है कि नहीं हुई। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक कमेटी जो ऑलरेडी बड़ी मतलब डीपीओ लेवल की कमेटी बनी है उसके ऊपर भी सीनियर अफसरान की कमेटी बनेगी जो सारा ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको दोबारा वेरीफाई करेगी कि हाँ वाकई ये जो है ना मेरिट पे हुआ है। तो उस लिहाज से अगर आप देख सकते हैं जिसकी इतनी शफाफत के ऊपर इतना स्ट्रिक्टली आईजी साहब खुद फॉलो कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल है बल्कि मैं तो बोलूँगा कि इम्पॉसिबल है कि किसी लेवल पर भी यहाँ इसमें कोई मेलाफाइडी या इस तरह की नजर आई हो। तो इंशाल्लाह इसमें कुछ ऐसा नहीं है और बाकी अपील के यहाँ हमने प्रोसेस के बाद दिन भी दिए हुए कि जहाँ किसी को ये फील होता है कि या ज्यादती हुई है या कोई गलती हुई है या नाइंसाफी हुई तो ये अपील के 2 दिन भी हैं जिसमें कुछ लोगों ने अपील भी किया और हमने उनको एड्रेस भी किया। तो अगर इस तरह भी किसी की कोई गलती या वो सामने आती है तो वो बिल्कुल हमारे पास आ सकते हैं और वो चेक करा सकते हैं। जराय पेशा और इश्तियारी मुलजमानी इलापा तुरंदी गामगीज बिना कनक बुत्ता अक्स कश अमजद मुरादउरिया माजद समद वश न्यूज तुर्बत केच।